किसके घर जा रहे हैं अम्मी? चौबिस्तानी घर लौटेगा, उनके घर जा रहे हैं लस्सी लेने। अभी जा रहा, मैं रुखसार को रेडी करवा दिया, देख ली तैयारी जी। चलो कितने प्यारे लग रहे हैं ना, बिल्कुल बारीक बारीक सी शेप दी और साफ साफ। ये जो है ना, हमने दूर से देखा तो अम्मी कह रही थी साड़ी है, ये साड़ी तो नहीं लग रही, कपड़ा है। तो अभी हमारे खाने का टाइम हो चुका है, रात के डिनर का। तो यहाँ पर चटकरे पुलाव बना है बहुत ही मजे का, और यहाँ पर आज इतने दिनों के बाद सबके साथ मिलकर मैं खाना खाऊंगी बड़े से थाल में। अबू खाना शुरू करें ना, पापा ने कहा मैं देर से खाऊंगा। गाइज अभी मैं कह रही हूँ अपने पापा के कपड़े आयरन, क्योंकि लाइट का कोई पता नहीं था, तो तीन चार ड्रेस है तो जल्दी से आयरन कर लेते हैं उनके। आज जो अम्मी बना रही है हरी मिर्च का अचार, सीजन जो है ना हरी मिर्च अचार वाली नहीं आती, क्योंकि बारिशें वगैरह हुई है ना, उसकी वजह से जो है मिर्चें आई नहीं थी, जैसे फूल लगते थे बारिश की वजह से गिर जाते थे तो वो नहीं होती थी। तो अब जो है ना ये मिर्ची आज आई है, तो हमने सोचा चलो अचार डाल लेते हैं। तो एक केजी हमने लिया, ये देखिए ऐसी मिर्च होती है अचार के लिए बड़ी बड़ी, तो ये अचार वाली है। तो आज इसमें नमक, इसको चीरा लगा के ना ऐसे, ये ऐसे चीरा लगेगा। अब इसके अंदर जो है ना नमक और हल्दी डालेंगे। आप फिर कोई ग्लव्स वगैरह पहन लेना। बस नहीं है ग्लव्स, रात को कहाँ से लेंगे। अब जो है ना अम्मी डाल रही है हरी मिर्च के अंदर नमक और हल्दी। अच्छा कितने दिन डाल के रखना होता है ये? बस अभी घर में एक स्टील की बाल्टी या प्लास्टिक की आपकी है घर में, अच्छा तो उसमें डाल के उसको कवर कर दें। अच्छा फिर जो ना सुबह और देखेंगे इसका, इसने ना पानी निकाला होगा अपना। अच्छा फिर वो पानी गिरा के इसको आप अचार में डाल दें, थोड़ी देर हवा लगा के खुश करके। हम तो फिर ऑयल, मेरा तो वो पड़ा है ना अचार वाला तेल बचा हुआ है ना, अचार को सितारा को भी दिया था, घर भी जो बच गया था बच्चों ने खा लिया। आप ये कहें कि पानी इनका जब खुश्क हो जाए तब इसमें तेल डालना। इसको जो ना प्लास्टिक की बाल्टी में डाल दें, हमारे घर स्टील की है या फिर प्लास्टिक की जो भी, उसमें डाल के ना कवर कर दें। अच्छा सुबह आप जैसे उठेंगे तो इसने ना पानी निकाला होगा, हल्दी और नमक का पानी जो नीचे काफी ज्यादा होगा मिर्ची के। अच्छा फिर आप टोकरी में डाल के ना पानी नीचे चला जाएगा, टोकरी में इसको डाल के ना रखेंगे थोड़ी देर, उसके बाद जब से ये खुश्क हो जाए मिर्ची फिर आप अचार में डाल दें, तेल में, तेल में बाल्टी में तेल डाल के फिर ये मिर्ची डाल दे। मेरा तो अचार वाला मिसाला पड़ा है ना, मिर्ची वाला अचार भी मजे का आता है और मजे का होता है। और ये मिर्ची अब आई है भाई, ये काम जो है थोड़ा सा मुश्किल भी है क्योंकि हाथों में मिर्ची भी लगती है। आपके हाथों में लग रही है अभी तो नहीं, जैसे ये हाथ धोएंगे तब जो है ना बहुत ज्यादा लगेगी, अभी नहीं लग रही। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हमारी तो फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग जो है मैं शुरू कर रही हूँ अभी से, क्योंकि कल से मैं व्लॉग बना रही हूँ लेकिन थोड़ा बहुत बना रही हूँ, खुद को नहीं दिखा रही। किसके घर जा रहे हैं अम्मी? चौबिस्तानी घर लौटेगा, उनके घर जा रहे हैं लस्सी लेने और सुबह सुबह की वर्क भी करने। तो यहाँ पर सामने चक्कर ऐसा लग रहा है कि ना जैसे सर्दी में धुंध नहीं होती ऐसा फील हो रहा है, और वैसे रात में यहाँ पर ठंड भी लगती है और इसके अलावा सुबह सुबह भी बहुत ज्यादा ठंड लगती है। खैर अगले मंथ से मुझे लगता है सर्दियाँ स्टार्ट हो जाएंगी ना। तो खैर जिन्होंने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। और इसके अलावा हमारे साथ दुआ भी आई है, ये रही आ जाओ। और अब वो रिमांड में सबसे पहले चले गए हैं तो अभी चलते हम भी, और आज की जो भी आगे की रूटीन होगी वो भी मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूंगी। और अभी ये गायें जाना जाने वाली हैं बाहर, अभी ना सुबह हो चुकी है तो ये अभी घूमने फिरने जाएंगे। कितना क्यूट सा है ना, सामने वाला भी क्यूट है लेकिन धूप के वजह सही नजर नहीं आ रहा। अब यहाँ पर आके कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा बेटा, इधर तो बहुत ही माहौल ही अच्छा है, सुकूनदा माहौल है ना, सुकूनदा माहौल है और मौसम भी अच्छी है, बहुत प्यारी मौसम। अब कराची जाने का दिल हो रहा है? कराची जब पंजाब आते हैं दिल नहीं करता। चले जबरदस्त, दुआ नहीं चल रहा, हम जा रहे हैं, आ जाओ आ जल्दी आ जाओ। अभी चेक करें, रात भर हरी मिर्च रखी गई है और अभी देखें यहाँ पर सारा जो है इसका पानी अलहदा हो गया है। ये मिर्ची जो है ना हम टोकरी में डालेंगे ताकि ये खुश्क हो जाए, इसका पानी अच्छे से निकल जाए, उसके बाद हम इसे तेल वाली बाल्टी में डालेंगे और तेल डाल के रख देंगे। आज जो है ना मैंने अपनी अम्मी के बालों में किए ऑयलिंग और अभी ये मैं कवाई करूंगी। अम्मी अब आपके सर का दर्द कैसा है? आज कुछ बेहतर है, तेल डालना ना इतनी देर, मैं जब भी ऑयलिंग करती हूँ एक घंटे की ऑयलिंग करती हूँ। खैर अभी जो हम थोड़ी देर तक जाने लगे बाहर, और ये जो पीछे आपको आवाजें आ रही है ना ये दुआ के काम है। बाजा लिया झूठा, बाजा लिया हुआ, सीटी भी ली हुई है ना, दो चीजें पता नहीं सुबह सुबह देखी आई। अभी जो है रुखसार फ्रेश होकर आ गई, कपड़े भी इसने चेंज कर लिए हैं, वैसे लग तो पहले रही है लेकिन अभी इसने कहा कि मुझे मेकअप भी करवाओ, तो वैसे आज सारी बहनें करवाएंगी मुझसे लेकिन सबसे पहले ये आई है तो सबसे पहले इसे करवाते हैं। अभी जो है ना मैं रुखसार को रेडी करवा दिया, देख ली तैयारी जी, कैसी लग रही है? बहुत अच्छी, अच्छी लग रही है। मैंने इसे बिल्कुल लाइट लाइट सा मेकअप किया क्योंकि मुझे ना ज्यादा करना नहीं आता, तो मैंने सोचा लाइट लाइट मेकअप करती हूँ, इससे अच्छा लगा।
हरी मिर्च जो है बिल्कुल खुश्क हो चुकी थी, इसका सारा पानी निकल चुका था। तो अभी जो है मेरी अम्मी ने इसे तेल में डाल के रख दिया, 3-4 दिनों के बाद जो है मिर्ची का अचार रेडी हो जाएगा। पर अभी जो है अबू के नाश्ते का टाइम है, उन्होंने कहा कि बस यही चीजें काफी है, लस्सी भी है ताजी, बिल्कुल लस्सी भी है, देसी है जी, मक्खन भी देसी है और शहद भी देसी है। चले चले अबू हम जा रहे हैं जी बेटा, आपको तो कहा लेकिन आप नहीं चल रहे, हम लोग घर पे ठीक है। चले ठीक है फिर, ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा आप, ठीक है, पापा आप भी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जय हम आए थे खाला के घर और यहाँ पर देखिए अम्मी और खाला ने मिलके बनाई है बिरयानी जो कि मेरी फेवरेट है, और साथ में है रायता सलाद। रेसिपी मैंने शेयर नहीं की, रेसिपी खाला ने शेयर की, मैं बस अभी दिखा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर 3 व्लॉगर्स हैं, एक मेरी खाला है, दूसरी मेरी मम्मा है, तीसरी मैं हो गई, तो इसलिए जना एक एक क्लिप हम बना रहे हैं तो हर किसी के व्लॉग में हिस्सा आ रहा है। बिल्कुल, और भी आज है ना ये अपनी खाला से बनवा रही है आईब्रो, और हर कोई कमेंट्स कर रहा था कि आईब्रो बनवाओ, इसके ना आईब्रो दरअसल घने हैं बहुत ज्यादा, तो मैंने कहा बस थोड़ी थोड़ी इसको ना बस शेप दे देते हैं और ज्यादा नहीं निकालते, तो ये हल्की हल्की शेप दे रही है इसकी खाला। और इसने कहा कि ना मुझे पार्लर से बनवा, मैंने कहा आपकी खाला जो ना बहुत अच्छे बनाती है क्योंकि मैं हमेशा इससे फेशियल भी करवाती हूँ और आईब्रो भी टाइट करो यहाँ पे खम देना, तो ये इसके बन रहे हैं आईब्रो। अब ये जब बन जाएंगे ना फिर आपको इसका लुक दिखाएंगे, कितनी प्यारी लग रही है फातिमा, अब माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं ना, बिल्कुल बारीक बारीक सी शेप दी और साफ साफ। ऐसा है जो मैं पहले नहीं बनवाया, पहले बारीक, हाँ पहले बारीक बनाए थे ना, हाँ। के बनवाए थे ना उधर कराची, बनवाया लेकिन ऐसे नहीं बना, हाँ तो ये बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा, लेकिन शेप बहुत प्यारी लग रही है, बहुत बारीक ऐसे लगते हैं आगे वाला लाइन बना दी बन क्या, हाँ नहीं ये बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। चलो ये भी काम हो गया आपका, देखा खाला कैसे काम आ गई, पार्लर पे जाती तो खराब कर देती, ये मैं इसके पास आती थी सही से, जब मैं आ रही थी ना, हाँ रात में ट्रेन थी ना, हाँ तो मैं आ गई थी सुबह के टाइम, लेकिन वो बंद था, हाँ जब बोलेगा मैं आऊंगा दोबारा से चेक करूंगा, मैंने व्लॉग नहीं बनाया था और कह रहे थे मैं आऊंगा दोबारा से देखूंगा फिर पार्लर को जाए फिर आऊंगा। यहाँ पर चेक करे जायका पुलाव कबाब, यहाँ के बहुत फेमस है, अभी ये ओपन हुआ न्यू है तो बहुत ही अच्छा इनका फ्लेवर है और जायका भी है, खाला बता रही है, तो नेक्स्ट टाइम जब आएंगे ट्राई करेंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को गाइस बहुत ज्यादा पसंद है पुलाव, तो वो जब आएंगे उनके साथ। अच्छा हम यहाँ पर आके रुके हैं और यहाँ पर शूज चेक करें, कितने प्यारे प्यारे लगे हुए हैं, वैसे मुझे तो नहीं लेने, खैर रुखसार के लेने क्योंकि रुखसार के ना स्कूल वाले शूज नहीं है, तो अभी वो आए तो फिर लेते हैं उसके, ये ज्यादा प्यारा लग रहा है, वैसे ये भी प्यारी है लेकिन रुखसार को पसंद नहीं है, तो फाइनली भाई रुखसार को कोई शूज पसंद आए और अभी जो हम लेके जा रहे हैं, बाकी शूज से पसंद नहीं आए, जो लिए वो भी बहुत प्यारा है। अब खुश हो, ठीक है, अब गाड़ी अंदर नहीं आ सकती और अंदर जाना बिल्कुल छोटी छोटी जगह है, चलने के लिए जगह है, गाड़ी नहीं आ सकती। और यहाँ पर चेक करें कितने ब्यूटीफुल ड्रेसेस हैं, बहुत प्यारे प्यारे लग रहे हैं, खैर अभी आके चलते हैं। और ये जो है ना हमने दूर से देखा तो अम्मी कह रही थी साड़ी है, ये साड़ी तो नहीं लग रही, ये कपड़ा है तो फिर मेरे ख्याल मीटर के हिसाब से दे रहे हैं। अच्छा वैसे प्यारी तो लग रही है साड़ी, ऐसे बनती तो बहुत प्यारी लग रही, कलर बहुत प्यारा है इसका, साइज जो मेरा पिंक पर अब आया ना उसके साथ स्टोलर है ना उसके ऊपर ना बाइक पर ना कैसे ना उस पर दाग लग गए हैं तो वो उतर नहीं रहे, तो मैं इसे कहना कहीं से लूंगी, लो यहाँ पर अभी आई हूँ मुझे याद है, तो मैं इसे यहीं से ले लेते हैं, ये स्टोलर जो मिल गए तो अभी यहाँ से लेते हैं और चलते हैं आगे, अम्मी और देख रही हैं, ये मैं भी अपने लिए ले रही हूँ, चले ले रहे। वैसे यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे अबाए भी हैं लेकिन मैंने अबाए नहीं लेने, मेरे अबाए बहुत हैं, 3-4 हैं माशाल्लाह से, बस एक स्टोलर ही लेना। तो अल्हम्दुलिल्लाह से अभी हम आ गए हैं बाजार से घूम फिर कर और माशाल्लाह से बहुत प्यारी बाजार थी, बहुत मजा आया है। और इसके अलावा पता नहीं आप लोगों ने नोट किया या नहीं किया, अभी तक मैंने नॉस्टिंग नहीं पहनी हुई, मैंने उतरवा दी क्योंकि एक तो ना बहुत ज्यादा दुख रही थी और मैं उसे अगर हाथ लगाती थी ना तो मेरा नाक बहुत ज्यादा दुखता था क्योंकि जो मेरा तिल था ना तिल के अंदर वो ना सिला हुआ था, तो आज जब मैंने उतरवाई एक तो ना बहुत खराब भी हो गई थी और दूसरा दिन थोड़े बहुत कॉमेंट्स भी आ रहे थे, तो मैंने सोचा क्या इसे उतरवाते हैं फाइनली, क्योंकि पिछली बार जब हम आए थे तो मैंने सोचा था कि इसे मैं चेंज करवा के और पहनूंगी,
लेकिन बस टाइम ही नहीं मिला और दूसरा गर्मी बहुत ज्यादा थी, तो आज जैसे कैसे मैंने उतरवाई है, मुझे पता मैंने कैसे उतरवाई, इतना रो रही थी मैं। अल्हम्दुलिल्लाह से उतर गई है और नोज पिन दूसरी वाली बन भी गई है, बस अभी 5-10 मिनट तक मैं पहनूंगी और फिर आपको दिखाऊंगी। अभी जो है मैं बना रही हूँ सबके लिए नाश्ता। मम्मी पापा चले गए गाँव और रुखसार माँ हम सबको जाना स्कूल, तो उन्होंने अभी तक नाश्ता नहीं किया। उन्होंने जल्दी नाश्ता बना रहे थे सबके लिए, तो अभी मैंने पेड़े बना लिए। तो अभी मैं बनाऊंगी इस बड़े वाले तवे पर रोटी, इसको पहले साफ करते हैं उसके बाद रोटी बनाती हूँ। और मैं इसके ऊपर रोटी काफी दिनों के बाद बनाऊंगी, पता नहीं मैं बना पाती या नहीं बना पाती, बताओ बना पाऊंगी? लगता तो ऐसे हाथ पे बनाती हूँ, पर जो मैं शायद से पहले भी एक एक करके डालती थी, अब जो है इंशाल्लाह दो दो तीन दिन करके डालूंगी। रोटी तो मैंने बना ली है, अब बस डोग की रोटी बन रही है। तो ईमान कह रही थी कि डोग की रोटी मोटी बनानी है। डोग मोटी रोटी खाता है? पतली रोटी खाता। मुझे बार बार कह रही थी अभी डोग की जो रोटी है ना वो मोटी बनानी, पतली नहीं बनानी। पतली इसलिए कह रही होगी कि पतली ना सूख जाएगी ना थोड़ी सी, उसके लिए खाने में मुश्किल होगी, तो ये मुझे कह रही थी मोटी बनानी पतली नहीं बनानी। बस ये आखिरी रोटी है, उसके बाद जो हमारी छुट्टी हो जाएगी, बस ये बनने वाली है थोड़ी देर तक, फिर डालेंगे हम डोगी को जब ठंडी हो जाएगी। कुछ भी नहीं कर रहा, मुझे लगता है सब बहुत भूख लग रही है, इसे पता चल गया कि अभी जो ना मेरा खाना आ रहा है, वो देखो भाई। और ईमान ने क्या किया, हाफ रोटी खुद ली है, हाफ रोटी अब्बू को दी है, वो चेक करो भाई। इसे भूख लगी, और इसके साथ ना पानी नहीं रखा हुआ, तो अभी ना पानी भी रखते है इसके साथ। ये देखो भाई खा लिया रोटी, अब आ गया अब्बू से लेने। और ये जो है सर रात पहरा भी देता है दरवाजे का, देखता रहता है कौन आया कौन नहीं आया, बच्चों को बाहर नहीं जाने देता। बिल्कुल, जो भी उठे ना इधर भी आए उनको ना आगे से धकेल देते हैं, किसी अनजान को नहीं आने देता घर, किसी को नहीं आने देता। और अभी आया नहीं दरवाजा, किसी ने खटकाया नहीं है, और बस ये पहले इसने शोर मचाना शुरू कर दिया कि कोई आ गया। बहुत हिफाजत करते हैं, रात को जागते हैं। बिल्कुल, और अभी जो है डॉग का पानी भी आ गया है, अभी पानी भी इंजॉय कर रहा है। चलो भाई इसका नाश्ता तो हो गया, ठीक है रेडी हो, आवाज नहीं देगा। बिल्कुल, अभी इसका पेट फुल हो गया, पानी दे दो, इसका टाइम था इसलिए इसने अलार्म बजाया। और अभी जो है अम्मी पापा और साथ में दुआ गई थी, तो अभी वो आ गए हैं घर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अबू कब से बैठे हुए थे, फिर अभी जाना लेट गए। लस्सी लाए हैं आप? लस्सी तो ये ले आए थे। अच्छा, यहाँ पर ना धूप आ गई तो यहाँ पर छांव में बांध रही है। इस छोटी सी बिल्ली को चेक करो जरा, इसकी शरारतें ही खत्म नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह से रात में हम खाला के घर से होकर घर अपने पहुँच गए थे और बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया था। लेकिन घर जब हम आए तो लाइट नहीं थी, इसलिए मैंने व्लॉग शूट नहीं किया और सब बहुत थके हुए थे, मैं भी बहुत थकी हुई थी, तो हम सब आकर सो गए। तो मैंने सोचा कि सुबह ही उठकर एंड कर देंगे और आपको नोज़ पिन भी दिखाएंगे। तो मैंने ये वाली नोज़ पिन पहनी है, मुझे बहुत अच्छी लग रही है, और मतलब इससे भी अब पेन भी नहीं हो रहा, हल्का फुल्का पेन हो रहा है, जैसा कि मैंने बताया था कि मेरे दाने के अंदर सिला हुआ है ना नाक, तो इस तरह से पेन होता है हल्का फुल्का, लेकिन 2-3 दिन के अंदर जो है ठीक हो जाएगा। और इसके अलावा गाइस, आज जो मैंने थोड़ा बहुत व्लॉग बनाया है, तो आई होप कि आप सब लोगों को पसंद आया होगा, तो आप सब लोग कॉमेंट्स में बता दीजिएगा। और इसके अलावा मैंने फर्स्ट टाइम अपनी खाला से आईब्रो बनवाया, तो माशाल्लाह से बहुत प्यारे बनाए हैं। वैसे कराची में एक दो सैलून में गई थी, लेकिन उन्होंने आईब्रो बनाए, बस मुझे लग रहा था अच्छे बनाए, क्योंकि मुझे नहीं पता कि हर किसी के फेस के हिसाब से आईब्रो बनाए जाते हैं, तो मेरी खाला ने बनाए तो मुझे बहुत पसंद आए, बहुत अच्छे लगे। तो बस यही करते हैं आज का यही छोटा सा व्लॉग एंड, और उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।